Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we solve exercise 5.2 question number 3 third part. तो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 और फोर्थ टर्म दी हुई है 9 होल 1/2 और आपको यहाँ पर ये मिसिंग टर्म्स दो बतानी है. A2 है ये टर्म और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी A3. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पर आपको A तो गिवन है, A इज इक्वल टू क्या है 5 है. ओके और अब A2 ये इसको A बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं, ठीक है. फिर यहां पे हम स्टार्ट करते हैं A2 से. तो A2 आपको फाइंड करनी है और वैसे A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस और फिर यहां पर कॉमन डिफरेंस इसमें D. A प्लस D ऐड कर दो तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है. फिर A3 थर्ड टर्म ये वाली है थर्ड, ये भी हमें फाइंड करनी है. ये क्या हो जाएगी A प्लस 2D कर दो. ओके तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है और फिर हमें A4 हमारे पास गिवन है. A4 हमें क्या दिया हुआ है 9 होल 1/2 और ये क्या होती है ये इज इक्वल टू होती है A प्लस 3D के. तो देखो हम जो हमारे पास ये जो फोर्थ टर्म इन्होंने दी हुई है हम इससे यहां पर D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है 5. ओके तो हम यहां पर A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा इसको पहले हम वो कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 2 18 और 19/2 लिख दिया इज इक्वल टू A के प्लेस पे हम यहां क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3D. ओके अब यहां पर इसको 5 को इधर कर दो शिफ्ट कर दो तो 9/2 और क्या हो जाएगा -5 और ये यहां पर अपॉन 1 कर दो और इसका ले लो LCM. LCM क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3D. ओके यहां पर कर देती हूं मैं 19 - 10 9 हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3D. और अब यहां पर आपको D फाइंड करना है तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर ये जो 3 है ये इसके डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 और टू इंटू थ्री. अब ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 9 और ये ठीक समझ में आ गया नहीं. देखो ये D था ना यहाँ पर ये D हो गया और इसको 3 को मैंने यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर दिया डिवीजन में चला गया तो 3 3 9 हो गया. तो क्या आ गया यहाँ पर D इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 3/2. ओके ये यहाँ पर 2 है, 9/2 था तो ये आपका हो गया यहाँ पे D इज इक्वल टू 3/2. अब यहां से आप अब D आपके पास है तो आप बहुत इजीली कोई भी टर्म निकाल लो, ठीक है. तो आपको निकालनी है A2. तो देखिए यहां पर ये A2 था ना तो यहां पर A हमारे पास है और यहां पर D वो कर दो वैल्यू रख दो तो यहां पर आपका A2 आ जाएगा. तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D. तो हम यहां पर निकाल लेते हैं A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D. A क्या है 5 है और प्लस D क्या है 3/2 है. तो ये आपका LCM यहां पर इसका हो जाएगा 2 तो यहां पर जाएगा ये 10 और प्लस 2 1 2 3 हो गया तो क्या हो गया 13/2. तो A2 इज इक्वल टू आ गई आपके यहां पर 13/2. और अब हमें निकालनी है यहां पर A3. A3 बराबर क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा देखो A प्लस 2D है ना. तो यहां पर A की वैल्यू रख दो D की वैल्यू रख दो तो A प्लस 2D तो A आपका फिर क्या है 5 है प्लस 2 इंटू डी फिर आपका क्या है 3/2 है. तो फिर ये कितना हो जाएगा यहां पर मैं कर देती हूँ इसको 5 यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. चलिए तो बहुत इजी है 2 से 2 कैंसिल हो गया बचा गया 5 और प्लस यहां पे 3 बचा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो A3 इज इक्वल टू आपका यहां पे आ गया 8. ओके तो यहां पर ये टर्म्स आपकी यहां पर फिल कर लो 13/2 एंड 8 तो हमारे यहाँ पर ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया. हम इसका कर लेते हैं फोर्थ पार्ट. देखिए ये फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल थर्ड की तरह ही है, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से करा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर आप इसको आगे सोल्व अपने आप आपको करना है. ओके चलिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है तो A यहाँ पर क्या है वही है -4 है. फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है और यहाँ पर आपको A2 A3 A4 और A5 फाइंड करनी है. तो यहाँ पर आपका A2 क्या हो जाएगा यू डोंट नो फाइंड करना है. ये क्या हो जाएगा A+D. A2 A+D हो जाएगा. A3 क्या हो जाएगा ये भी आपको फाइंड करना है. ये हो जाएगा A+2D. ओके फिर A4 यहां पर लिख देते हैं A4 क्या हो जाएगा A+3D हो जाएगा. ओके और A5 क्या हो जाएगा
ए प्लस फोर डी हो जाएगा, ठीक है। जो ये टर्म का नंबर होता है उसमें से हम एक माइनस करके तब यहां पर ये डी के साथ हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं उसको, तो ये हो गया हमारा। तो अब हम आगे इसमें करते हैं ए सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स नंबर की टर्म है, तो ए सिक्स यहां पर क्या है, ए सिक्स हमें यहां पर गिवन है, क्या है, सिक्स है, ए सिक्स इज इक्वल टू सिक्स है, और इसकी इसको क्या लिखते हैं सकते हैं हम, ए प्लस फाइव डी। ओके, तो देखो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम आप यहां पर क्या करो, ए आपके पास है तो आप यहां से डी की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हम यहां पर लिख देंगे सिक्स इज इक्वल टू ए आपके पास माइनस फोर और प्लस फाइव डी, देन इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहां पर, सिक्स और फोर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये टेन हो गया इज इक्वल टू फाइव डी हो गया, तो यहां पर आपका डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अपॉन फाइव क्या हो जाएगा, टू, तो डी आपका यहां पर निकल जाता है टू। ओके, अब देखो यहां पर, अब डी आपका निकल गया, अब आपको यहां पर बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, यहां पर ए आपके पास है तो माइनस फोर और यहां पे डी रख देना टू, ऐसे इसमें यहां पर आपको ये निकालना है, ठीक है, यहां पर माइनस फोर और यहां पे टू इंटू टू, ऐसे यहां पर माइनस फोर प्लस थ्री इंटू टू डी की वैल्यू रख देना, ऐसे यहां पर ए फाइव निकालना है तो ए प्लस फोर इंटू माइनस फोर इंटू टू, तो यहां पर आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है, आप इसको करना, और फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर लिखना। ओके, चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या दे रखा है इन्होंने ट्विस्ट, कि यहां पर इन्होंने ए नहीं दे रखा है, और सारे जो क्वेश्चन थे उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको ए दिया हुआ था, ठीक है ना, तो थर्ड में भी ए दिया हुआ था, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में भी आपको ए दिया हुआ था, लेकिन यहां पर आपको ए गिवन नहीं है, तो ए गिवन नहीं है तो हम यहां पर ये जो आपको सेकंड टर्म दी हुई है, उसके बाद सेकंड के बाद ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सिक्स्थ टर्म दी हुई है, तो सेकंड और सिक्स्थ टर्म से हम यहां पर दो इक्वेशन बनाएंगे, और दो इक्वेशन बना के, क्योंकि यहां पर ए तो दोनों के सेम आएंगे, तो हम यहां पर उनको दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हम यहां पर उससे डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर इसका सोल्यूशन। देखो इसमें आपको ए तो फाइंड करना है, ठीक है, वो मैं ले लिख रही हूँ, ठीक है, आप बाद में अपने आप देख लेना उसको जब आप करोगे। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहां पर ए टू, ए टू क्या है आपका, ए टू आपका यहां पर है 38, और वैसे ए टू क्या होता है, ए टू आपका होता है ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस डी, तो यहां पर ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर वन बन गई। और ऐसा करना है, मैंने क्या बताया आपको, कौन सी थी हमारी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स थी, ठीक है, तो यहां पर हमारी ए सिक्स, ए सिक्स क्या है यहां पर, माइनस का 22 है, तो माइनस का 22 क्या हो जाएगा, ए प्लस ये क्या हो जाएगा, फाइव डी, क्योंकि सिक्स टर्म है तो यहां पर हम इसको फाइव डी लिख सकते हैं, है ना, सिक्स से आप क्या लिख सकते हो, यहां पर फाइव डी कर सकते हो, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाती है ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस 22, इससे मैंने इक्वेशन बना दी, तो यहां पर ये मेरी इक्वेशन नंबर टू बन गई। ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगी, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई, और ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू माइनस का 22, अब इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। ओके, और यहां पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हो आप इक्वेशन इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन माइनस टू करेंगे ना, सॉरी इक्वेशन वन माइनस टू, ये कर दो यहां पर, यही लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, नहीं तो शॉर्ट में इतना भी कर दो, कोई बात नहीं। अब यहां पर साइन चेंज करो, जिसको माइनस कर दो उसका साइन चेंज कर दो, तो टू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें फर्स्ट में से, तो यहां पर टू के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर ये माइनस और ये आपका हो जाएगा यहां पर प्लस, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव डी और डी माइनस का फोर डी हो गया, और यहां पर ये 38 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा आपका यहां पर, तो ये हो गया यहां पे 0 और ये हो जाएगा फिर यहां पे 60, तो अब यहां पर आपका डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन माइनस का 4, तो क्या आएगा आपको यहां पर 4 वन जा 4 और 4 फाइव जा 20 माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है, तो डी आपका यहां पर आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 15, तो यहां पर ये देखो आपका डी निकल गया माइनस का 15, ठीक है। अब आप यहां पर कोई भी टर्म निकाल लो, पहले ए निकालनी है तो ए यहां पर कैसे निकल जाएगी, इक्वेशन जो फर्स्ट है उससे निकल जाएगी, देखो ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 था ना, तो यहां पर इसकी एक वैल्यू पुट कर लो, तो हम यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन
वन, ए प्लस डी क्या हो जाएगा माइनस 15 और इज इक्वल टू 38। तो ए क्या हो जाएगा 38 और ये माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, देखो माइनस का 15 इधर मैंने करके प्लस का 15 कर दिया, ठीक है। और ए इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 5 13 और 3 4 एक 5 53। तो यहाँ पर आपका ए आ गया 53 और यहाँ पर इसको फिल कर देंगे 53। चलिए पहले हम अब निकाल लेते हैं ए 2 हमारे पास है, ठीक है ना, ए 3 निकालना है हमें। ए 3 क्या हो जाता है, ए प्लस 2D हो जाता है। तो ए प्लस 2D यहाँ पर पहले लिख दो और फिर ए आपको पता है क्या है, 53 आ गया ना आपका ए, तो 53 और प्लस 2 और इंटू डी आपका क्या है माइनस 15 है, तो यहाँ पर माइनस का 15 लिख दो। तो ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा माइनस का 30। तो ए 3 अब आपकी यहाँ पर आ जाएगी 53 माइनस 30 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना 53, हाँ 23 हो जाएगा, ये हो गया 23। तो ए 3 आपकी आ गई यहाँ पर 23। अब यहाँ पर ए 4 निकाल लो, ए 4 क्या हो जाएगा ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो ए क्या है आपका 53 है और प्लस 3 इंटू डी क्या है माइनस का 15 है, ओके। तो यहाँ पर इसको कर लो 53 और ये हो जाएगा माइनस का 45। तो ए 4 क्या आ गया अब आपका यहाँ पर, इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 8, है ना 13 में से 5 गया 8, हाँ 8 हो जाएगा। तो ये आपका ए है, ये ए, ठीक है। तो ए 4 आपका यहाँ पर हो गया 8। अब यहाँ पर आपको ए 5 भी करनी है, ए 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पर ए लिख दो, ए फिर आपका 53 है प्लस 4 इंटू डी फिर आपका माइनस का 15 है, ये हो जाएगा 53 और 15 फोर जा कितना होता है 60, तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब ए 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका माइनस का आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से आएगा माइनस का 7 आ जाएगा, हाँ माइनस का 7। तो ए 5 आपका आपके हो गया माइनस का 7। तो यहाँ पर अब इसकी मिसिंग जो टर्म्स है वो हम फिल कर लेते हैं। ए हमारी यहाँ पर आई थी 53, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 53 और उसके बाद ए 3 हमारी आई थी 23, तो ये हो गया 23। उसके बाद ए 4 आई है हमारी 8, तो यहाँ पे हो गया 8 और ए 5 हमारी आई है माइनस 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको इसके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो गए क्वेश्चन के तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।